सर ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई किस लिए रखी गई? सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि जो ग्रामीण विद्या उपासक 2011 में नियमित हुए हैं उनको नए सिरे से NIOS की तरफ से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, DLED की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उनको, और वो 6 महीने की है या 2 साल की है इसका भी अभी तक कन्फर्म कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग 2011 में नियमित हो चुके हैं उनको ये ट्रेनिंग क्यों करवाई जा रही है, इसका प्राथमिक शिक्षक संघ कड़ा विरोध कर रहा है। और जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया है कि ये ट्रेनिंग करवाई जाए उसके लिए हमने विरोध ये किया है कि जो जब कानून बना है उसके बाद के लोगों के ऊपर ये ट्रेनिंग थोपी जाए। जो लोग इससे पहले नियमित हो चुके हैं, कन्फर्म हो चुके हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई ट्रेनिंग ना थोपी जाए। अगर सरकार या विभाग फिर भी नहीं बात सुनता है हमारी बात को तो प्राथमिक शिक्षा संघ मजबूर होगा न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए या फिर सड़क पर उतरने।